ना कोई महल मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है, ना कोई महल मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है। मुझे तो बस इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन का हूँ और ये वतन मेरा है और ये वतन मेरा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रिया पुंडीर है, मैं कक्षा 12 जी की छात्रा हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देकर अपने भाषण की शुरुआत करना चाहूंगी। हम आज का दिन इतने धूमधाम से इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसा दिन जो हमें बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक लड़ना सिखाता है जब तक हम जीत नहीं जाते। 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। न पूछो हमसे कि हमारी क्या निशानी है, न पूछो हमसे कि हमारी क्या निशानी है, हमारी शान तो बस इतनी है कि हम इस मिट्टी के लाल हैं जिस मिट्टी की दुनिया दीवानी है, जिस मिट्टी की दुनिया दीवानी है। तिरंगा कहता है कि काश मैं भी कुछ बोल पाता, सालों से घुटना कोई मेरा दिल भी टटोल लाता। मैं कब रोया, कितना रोया, कोई मेरा दिल भी खोल पाता। शहीदों के बलिदान ने मुझे कितना सम्मान दिलाया, शहीदों के बलिदान ने मुझे कितना सम्मान दिलाया। तुमने किया अपमान मुझे जी भर कर रुलाया, तुमने किया अपमान मुझे जी भर के रुलाया। मस्जिद बना बैठे, अरे तुमसे तो अच्छी जाति है परिंदों की जो कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे। मंदिर मस्जिद जाकर अगरबत्तियां जलाते हो, मंदिर मस्जिद जाकर अगरबत्तियां जलाते हो, क्यों ने मातृभूमि के लिए अपने को चढ़ाते हो। उस दिन भी मैं बहुत रोई जब एक कोख में बेटी को मारा गया। सिसकता हुआ बोला तिरंगा, सिसकता हुआ बोला तिरंगा, बेटी को मार देते हो कोख में तो माँ कहाँ से आएगी, बेटी को मार देते हो कोख में तो माँ कहाँ से आएगी, हिंदुस्तान की ये धरती को फिर कहाँ से पाएगी, कोई तंत्र कोई मंत्र कोई आरती ना काम आएगी। रोए हत्या जो बेटी की वो माँ भी लात मार जाएगी, तो माँ भी लात मार जाएगी। तुम्हारे रहते क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है, तुम्हारे रहते क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है। हर गली हर शहर में धमाका हो रहा है, हर गली हर शहर में धमाका हो रहा है। एक को मारोगे हजार आएंगे, एक को मारोगे हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे, भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में अश्क भर आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में अश्क भर आते हैं जब हम सुनते हैं उनके किस्से, जब हम सुनते हैं उनके किस्से तो आंखों में अश्क भर आते हैं। अब तक जिसका खून ने खोला, खून नहीं वो पानी है,